आगामी लोकसभा चुनाव की पूर्व तैयारी और मतदाताओं के लिए सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी पुलिस ने अपने क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में रूट मार्च निकाला। यह रूट मार्च नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबी के मार्गदर्शन में एपीएमसी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय शिंदे ने इस पहल का नेतृत्व किया। पालघर जिले में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा नामांकन के बाद कल से करेंगे प्रचार की शुरुआत। सुबह विरार जीवदानी मंदिर दर्शन के बाद बाइक रैली की होगी शुरुआत। शाम को वसई में होना है कार्यकर्ता सम्मेलन। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कांदिवली पूर्व में निकाली रैली। इस दौरान उनके साथ विधायक अतुल भातखलकर भी रहे मौजूद। अब एक बार फिर से प्याज के दाम बढ़ने के आसार। प्याज निर्यात बंदी हटी। प्याज निर्यात खुलने के बाद अब प्याज की खरीदी बढ़ी है। नासिक में 2000 तक बिक सकता है प्याज। सोमवार से नासिक की प्याज मंडियों में हो सकता है देश भर में प्याज का निर्यात। किसानों के प्याज की होगी लासलगांव पीपलगांव उमरानी प्याज मंडी में नीलामी। बढ़ेंगे देश भर में प्याज के दाम। महाराष्ट्र में बड़ी बस दुर्घटना। 22 यात्री मामूली रूप से घायल। हादसा उमरखेड़ के पास नदगवां घाट पर। एक बस ने सीमेंट मिक्सर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस घाटी में गिरते गिरते बची। हालांकि इस घटना में करीब 22 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब बस हदगांव से यात्रियों को लेकर नागपुर जा रही थी। सलमान खान फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट है। मृतक अनुज थापन के परिजनों ने उसके शव को जेजे अस्पताल से कब्जे में लिया। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद परिजन जेजे अस्पताल से शव अपने कब्जे लेकर रवाना हुए हैं। परिजन शव को अपने घर पंजाब ले जाएंगे। मृतक आरोपी अनुज थापन की बीमार मां अपने बेटे का शव देखना चाहती है। पंजाब में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मृतक आरोपी का परिवार सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार ने सीबीआई जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तो मुंबईकरों के लिए बीएमसी और आईएमडी का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 36 घंटों में मुंबई के तटीय इलाकों में 4.24 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। शनिवार को यहां आईएमडी की सलाह पर आधारित एक अलर्ट में कहा गया है कि फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों को लेकर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। सेक्स वर्कर्स को मतदान के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। शोले स्टाइल में किया गया जागरूकता अभियान। सेक्स वर्कर्स भी लोकतंत्र का हिस्सा है। चुनाव में उनका वोट भी अहम है। महाराष्ट्र के सांगली इलाके में स्थित सुंदर नगर में रेड लाइट एरिया में मतदान करने के लिए चलाया गया ये जागरूकता अभियान। एंड्रोली में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तस्वीरें आपको दिखा रहे भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर सांगली जिले के महाराष्ट्र के सांगली जिले के एंड्रोली गांव के पास एक खेत में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। आपातकालीन लैंडिंग के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये संभावना जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी होगी। जैसे ही सेना का हेलीकॉप्टर अचानक खेत में उतरा, हेलीकॉप्टर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी। इस हेलीकॉप्टर में सवार जवान सुरक्षित है। अगर सावरकर का नाम लेने में शर्म आती है तो किस बात के शिवसेना अध्यक्ष हैं। अमित शाह का बयान। महाराष्ट्र के नागपुर में लगे भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। महाराष्ट्र के सांगली गांव में पानी बना चुनावी मुद्दा। 15 दिनों में केवल एक टैंकर पानी उपलब्ध। मुंबई मेट्रो की मतदाताओं को रिझाने की पहल। मतदान दिवस पर मेट्रो यात्रियों को टिकट पर मिलेगी छूट। महानगर पालिका की प्रॉपर्टी टैक्स में नहीं भरने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। बीएमसी ने बकायेदारों की संपत्ति जब्त कर गोडाउन में रखा सामान। मुंबई के टाटा अस्पताल में कैंसर के 100 मरीजों पर की गई रिसर्च में खुलासा। औसतन 671 साल और 4670 करोड़ रुपए का नुकसान। मुंबई के गिरगांव इलाके में पार्किंग विवाद में हत्या के आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार। अशांत होगा बॉम्बे का समुद्र, उठेंगी लहरें। मौसम विभाग ने 36 घंटे के लिए जारी किया रेड अलर्ट। कुरला के भाभा अस्पताल में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड किए जाएंगे नियुक्त। कस्टम विभाग ने पकड़ा 8.17 करोड़ का सोना। 10 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स भी जब्त। नवी मुंबई में 535 और पनवेल में 79 खतरनाक इमारतें हैं। वसई में शख्स के साथ हुई चेन स्नैचिंग, मामला दर्ज।